Friends, welcome back to NRI Samay. This is Sri Hari Atluri, your host for today's show. Today we'll be listening to Dayamani Barla from Jarkhand tribal areas. Jarkhand is known for its mineral wealth. And Dayamani has led a difficult life right from her childhood. Her family was dispersed when she was about 10 years old because her dad's land was abducted. At that age, she was all alone, but she not only survived, but she also studied, and she did study hard. She completed high school, intermediate college, and eventually completed MCOM. She is a journalist reporting issues from the tribal land. She is in the forefront and led the fight against government and corporations when they were trying to abduct the land of the tribals. Now, she also runs a small tea shop, and that's her livelihood. One of her significant victories was against the giant steel company, Mittal Steel. When they and the government tried to occupy the lands of tribal, she fought against them until they gave up the land. But the threats continue from other corporations also. They still continue as of today. She has been harassed by the government by putting police cases and putting her in jail. But she is not the one to back down. Without any further delay, let's listen to Dayamani Barla. And today's show is going to be in Hindi. Actually, you will soon realize that my Hindi is not fluent at all. But I had to talk to Dayamani ji after reading about her. So pardon my errors. Dayamani ji, welcome to NRI Samay. Dayamani ji, ये बोलिए कि आप क्या करते हैं? आप तो एक्टिविस्ट है, आप तो अवेयरनेस और एजुकेशन करते हैं. आप ही बोलिए क्या करते हैं आप? सब करती हूँ. अवेयरनेस भी करती हूँ, एजुकेशन भी करती हूँ, लड़ती भी हूँ और लिखती भी हूँ. असली कि मेरा मानना है कि सिर पे मैं शुरुआती दिनों में मेरा ये शुरू ही हुआ है कि मैं मूवमेंट में रही हूँ और मूवमेंट में रहने के साथ साथ मैं लिखने का भी काम किया और मैंने अपना कलम से अपने गांव-गांव जाके गांव की समस्याओं को लिखने का काम किया. उसके बाद जब मुझको लगा कि नहीं, लिखने से केवल काम नहीं होगा, तब मैंने जिस समस्या को गांव वालों के बीच में गांव वाले लोग उठाते थे और जिस समस्याओं को मैं लिखती थी अखबारों में, तब मुझे लगा कि लिखने से केवल नहीं होगा. इस इशूज को जिसको मैंने उठाया है उसको मैंने हल करने के लिए और उस पर सरकारी अधिकारियों का दबाव बनाने के लिए और लोगों को उसका हल निकालने के लिए लोगों को यूनाइट करना पड़ेगा. मैंने ये काम भी किया और इसीलिए मैंने अपने लाइफ में एक हाथ में मेरा कलम था, कलम है, तो दूसरे हाथ में जनता के बीच में मैंने लोगों को खड़ा करने के लिए जन आंदोलन भी हमारे साथ है और मैंने इसी रास्ते से आगे बढ़ने का, लोगों के सवालों को आगे ले जाने का काम किया है. तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि मैं एजुकेशन भी करती हूँ और मैं लिखती भी हूँ और मैं अवेयरनेस का भी काम करती हूँ. असली कि अब मैं जानती हूँ कि जिन समाज के लिए मैं काम करती हूँ वो आदिवासी समाज है, वो मूलवासी समाज है और वो किसान समाज है जो नेचर के साथ वो जीता है, सुदूर गांवों में रहता है और जिस तरह से सरकार उनके साथ, एक तो ये कहेंगे कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके चलते सरकार उनको जितना प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए एजुकेट नहीं कर पाई है, हेल्थ का कोई सुविधा नहीं दे पाई है, किसी तरह का अवेयरनेस नहीं दे पाती है. तो ऐसे परिस्थिति में हमारे जैसे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज के लिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हर स्तर में उनके साथ काम करे और वही मैं अभी भी कर रही हूँ. ओके, बहुत अच्छी बात है. आप बोल सकते हैं कि कैसे समस्या पे आप अवेयरनेस करते हो?
आपने बोला गांव वालों के बहुत समस्या है कि एग्जांपल बोलिए एक और दो। देखिए गांव वालों के साथ कई समस्याएं हैं। एक तो आपका जो उनका आज की तारीख में उनका जो राइट्स है, लैंड राइट्स है, फॉरेस्ट राइट्स है, उनका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मैंने लुटा रहा है। बड़े बड़े कारपोरेट घराने लूट रहे हैं। गवर्नमेंट की एंटी पीपल्स पॉलिसी है वो उनके हाथ से जमीन लूट रहा है। और ये तमाम चीजों को सिर्फ लिखने से केवल नहीं होगा, उसके लिए आपको जहाँ पर जिस इलाके में या तो गवर्नमेंट लूट रही है या कारपोरेट घराने लूट रहा है या तो माफिया लैंड माफिया लूट रहे हैं, आपको तो गवर्नमेंट के खिलाफ में और कारपोरेट घराने के खिलाफ में आपको मूवमेंट चलाना पड़ेगा। और मूवमेंट चलाने के लिए आपको गांव वालों को अवेयर करना पड़ेगा और अवेयर करने के साथ मूवमेंट के साथ आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा और उसके साथ ही आपको पीपुल्स मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। तो ये जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति जो बचाने का सवाल है और उसमें मेरा लंबे समय से काम रहा है। और इसके साथ ही जो जनता के जो इश्यूज हैं, विशेष करके आपका जो यहाँ सरकार का जो करप्ट पॉलिसी काम कर रहा है, आप यहाँ पर मनरेगा जैसे जो योजना है जिसमें कि गांव वालों को 365 दिन में सिर्फ आपका 100 दिन का रोजगार गांव स्तर में ही देने की गारंटी देने क्या का जो एक्ट बना, उसके बाद लगातार सरकार ने गांव स्तर में फंड देते गया लेकिन उसका मिसयूज किस तरह से यहाँ के करप्ट अधिकारी कर रहे हैं। करप्ट जो आपके गवर्नमेंट में जितने भी मैंने राजतंत्र रहे हैं, पॉलिटिकल पॉलिटिशियन रहे हैं, सारे लोग यहाँ किसानों का मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। उन्हें काम तो कराया जा रहा है लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। और गांव वालों को उनके लिए जो आपका पीडीएस सिस्टम है उसमें बड़े बड़े माफिया हैं, वो माफिया उनके अनाज खा जा रहे हैं। किरासन का तेल उनके गांव में जाना चाहिए, किरासन का तेल नहीं पहुंच पा रहा है। उनके खिलाफ में मैं लिखते रही हूँ लगातार और सिर्फ लिखती नहीं रही हूँ, उनके खिलाफ में वो आप भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ में आंदोलन भी चलाने का काम किया। और यही ये है, मैं जब 2006-07 में मनरेगा का एक्ट पास हुआ और मनरेगा इसकी गाँव में आया तो उसमें जिस तरह से लूट खसोट चल रहा था उसमें हम लोगों ने एक लंबा अध्ययन किया और लंबा अध्ययन करने के बाद हमने उसके खिलाफ जन आंदोलन भी शुरू किया और उसको लेके जो दोषी लोग हैं उन लोगों को उन लोगों पर केस भी हुआ और उनको जेल भेजने का भी काम किए। जी ये बोला कि आपने करप्शन है और नरेगा आपने बोला था, आप स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि कैसा हुआ? क्योंकि हमारे ऑडियंस है वो बहुत सारे देश में है सो उसको समझ में नहीं आएगा, तो आप बोल सकते हैं कैसे करप्शन हुआ था? उसमें जो है कि जो कानून कहता है कि जो जो उनके लिए जिनको जिनको काम देना है, एक तो है कि हर गांव में जो फिजिकली फिट है काम करने के लिए, मजदूरी का काम करने के लिए, उनके काम दिलाने के लिए, मट्टी काटने के लिए, रोड बनाने के लिए उनको अपने जॉब कार्ड मुहैया कराना है। लेकिन यहाँ पर जॉब कार्ड भी मुहैया नहीं कराया गया और कानून कहता है कि जिनको काम दिलाने के लिए जिनका जॉब कार्ड बनता है उनको 15 दिन के भीतर में काम नहीं मिलता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। और जिन मजदूरों को जॉब कार्ड भी मिला तो जॉब कार्ड मिलने के बाद उनको जो काम दिया गया तो काम 10 दिन का दिया गया, तो उनका 10 दिन का काम का मजदूरी उनको मिलना चाहिए पर डे
जो गवर्नमेंट का रेट के हिसाब से, लेकिन 5 दिन काम किया लेकिन उनको 5 दिन का मजदूरी नहीं मिला, उनको मजदूर मिला तो 3 दिन का 4 दिन का मजदूरी मिला। और जब उनका काम का मास्टर रोल में जॉब कार्ड के साथ मास्टर रोल में भी एंट्री करना होता है तो मास्टर रोल में उनका 25 दिन का काम चढ़ा दिया गया। तो आप एक देखिए कि जो रियल जो काम किया है 10 दिन उसमें वो 5 दिन का मजदूरी दिया, 5 दिन का मजदूरी नहीं दिया, और उनके जॉब कार्ड में भी चढ़ा दिया कहीं 20 दिन कहीं 25 दिन और मास्टर रोल में भी। तो ये जो एक्स्ट्रा काम दिखाया, तो एक्स्ट्रा काम दिखाया उसमें वो पैसा गबन करने के लिए दिखाया, और जब पैसा गबन करने के लिए वो तमाम चीजों को दिखाया तो आप देखिए एक मजदूरी के पीछे, एक जॉब कार्ड के पीछे उन्होंने जो दलाल लोग हैं और जो भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक एक मजदूरी के पीछे उन्होंने 3,000-4,000 रुपया का गबन किया। तो इस तरह से हमने स्टडी करने का काम किया। तो इसमें ये जो हमने एक पूरे पंचायत का स्टडी करने के बाद एक पूरा लिस्ट तैयार किया, और एक पूरा लिस्ट तैयार करने के बाद हमने उसको अखबार में, यहाँ जो प्रभात खबर में मैं लगातार लिखते रही हूँ उसमें फ्रंट पेज न्यूज वो छापते रहा, और इसके साथ ही हम लोगों ने आंदोलन किया, और तब उस पर एक्शन यहाँ के गवर्नमेंट के तरफ से हुआ। और जो उसमें उस चैनल में जो शामिल थे उनकी उनको जेल भी भेजा गया। बहुत बहुत अच्छा हुआ। और आप ये बोलिए कि आपने बोला था गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस आपका लैंड छीनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों छीनना चाहता है, वो कैसा माइनिंग होता है, क्या माइंड से उधर, ये बोल सकते हैं आप? देखिए यहाँ तो झारखंड में हर तरह के माइंस है, जितने भी मिनरल्स हैं हर तरह का मिनरल्स है, और हर तरह के माइनिंग यहाँ पर चल रहा है। अब कॉर्पोरेट घराने और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो दोनों एक कॉर्पोरेट घराने को पूरी तरह से, यहाँ की गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से जमीन देने के लिए, माइनिंग के लिए, डैम के लिए, प्लांट के लिए, वो पूरी तरह से जमीन उनके हाथ में सौंपने की तैयारी कर ली है। और यही कारण है कि स्टेट बनने के बाद आज तक 104 कॉर्पोरेट घराने के साथ गवर्नमेंट का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन हो चुका है, और इसमें से 98% जो है वो स्टील मेकर कंपनियां या तो माइनिंग कंपनियां हैं, और ये माइनिंग कंपनियों को हर तरह के माइंस यहाँ पर चाहिए, और जब हर तरह का माइंस चाहिए तब ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर जितने भी मिनरल्स का दोहन होगा, और यहाँ के जो लोग हैं आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, किसान हैं, उनके को पूरी तरह से यहाँ उजाड़ने का काम होगा। और ये आजादी के बाद विकास के नाम पर आज तक यहाँ पर 80 लाख लोग पूरी तरह से विकास के नाम से डिस्प्लेस हो चुके हैं, और वो डिस्प्लेस मैंने जनता आज की तारीख में कहाँ पर है, किस हाल में जी रही है, वो किसी के ये में नहीं है, आंकड़े में नहीं है। ना तो इस पर सरकारी अधिकारी इस पर सोचना चाहते हैं, ना तो यहाँ के पॉलिटिशियन सोचना चाहते हैं, ना तो मीडिया के लोग इस पर सोचना चाहते हैं। ये तमाम चीजें बहुत पहले हो चुकी हैं, और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए अब हम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि किसी भी कीमत में हम लोग यहाँ का जंगल, यहाँ का जमीन हम लोग किसी भी कीमत में नहीं देंगे। और जहाँ तक यहाँ का अपने जंगल जमीन के बदले में तो सरकार बोलती है, कॉर्पोरेट घराने बोलते हैं कि पैसे देंगे बोल के, लेकिन पैसा किसका देगा? हमारा जो जल जंगल जमीन है वो हमारा जीविका केवल नहीं है, ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारा कम्युनिटी राइट्स है। और इस कम्युनिटी राइट्स का जैसे और समाज में जो होता है कि प्रॉपर्टी के मतलब वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन ये हमारा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, ये कम्युनिटी का प्रॉपर्टी, कम्युनिटी का हेरिटेज है। और यहाँ पर ये जो नदी है, पहाड़ है, जंगल है, जहाँ से हमको शुद्ध हवा मिलता है, शुद्ध भोजन मिलता है, क्या इसका कंपनसेशन हो सकता है? ये असंभव है।
और हमारा इसी इसी जंगल जमीन के साथ, इस नदी पहाड़ के साथ है, हमारा भाषा और संस्कृति जुड़ा हुआ है, हमारा भाषा और बोली, इसका किसी भी, इसका कोई भी कंपनसेशन से कंपनसेट नहीं हो सकता है, और किसी तरह से भी इस रिहेबिलिटेशन इसका संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग ये बात बोलते हैं कि आदिवासी समाज है और किसी भी कीमत में वो अपना जल जंगल जमीन नहीं छोड़ेगा, और हम लोग इसी का लड़ाई लड़ रहे हैं। ओके, ठीक सड़क से बोला आपने। आपका चाइल्डहुड के बारे में मैं एक या दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिजनर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। आपका आपका पिताजी का लैंड छीन छीन लिया गया था, क्या आप बोल सकते हैं वो कैसे हुआ और क्या हुआ? और एक बार क्वेश्चन, आपके पिताजी का लैंड आपकी चाइल्डहुड में छीन लिया था ना? हाँ, वो बोलिए कैसे हुआ या और क्या हुआ? ये हमारे मदर और फादर वो इलिटरेट थे, वो जब दूसरे गांव के जो बड़े व्यापारी वर्ग है, व्यापारी मैंने बिजनेस क्लास के लोग आए और उनको मैंने एक सादा कागज में अंगूठा का निशान लगवाया, और उस सादा कागज में क्या लिखा वो कोई नहीं जानता है, लेकिन वो सादा कागज में उन लोगों ने क्या क्या लिखा उसके बाद उसको मैंने कोर्ट में लिख के गया, और कोर्ट में हमारे पिताजी का जमीन को उन्होंने लीगली वो छीन लिया। जब हमारे पिताजी उस खेत में फिर से खेती करने के लिए गए तो हमारे पिताजी को पप को रोका गया, तब हमारे पिताजी को, हमारे परिवार को पता चला कि ये जो जमीन है वो इन लोगों ने छीन लिया है, और वो व्यक्ति इतना दबांग था, इतना ये था, धन बल से मजबूत था कि हमारे गांव वालों को धमका के रख दिया था कि हमारे पिताजी के पैर में कोई भी गवाही नहीं देगा, और यही हुआ कि उन लोगों को मैंने धमकाने के बाद इतना भयभीत करके रखा था कि हमारे पिताजी के सपोर्ट में किसी भी व्यक्ति आगे नहीं आया। अंततः हमारे पिताजी ने वो जमीन का जो केस लड़ रहे थे वो केस हार गया, उसके बाद हमारा पूरा परिवार बिखर गया, और जितने भी जमीनें बाकी बची हुई थी वो तमाम जमीन बंधक हो गया, हमारे गाय बैल भैंस जितने भी हमारे अपने मवेशी पशुधन थे सब कुछ बिक गए, और उसके बाद हमारा पिताजी दूसरे गांव में सर्वेंट होने के लिए चला गया, हमारा बड़ा भाई दूसरा में किसान के पास सर्वेंट हो गया, हमारी मदर रांची शहर में चली आई यहाँ पर सर्वेंट होने के लिए, हमारा तीसरे नंबर का भाई भी मैंने दूसरों में रांची शहर चला आया, यहाँ वो लेबर बन गया, और हमारे साथ मेरा मुझसे बड़ा वाला भाई हमारे साथ रहा, हम तीन भाइयों में मैं सबसे छोटी थी, ये तमाम चीजें जब मैं दूसरा तीसरा क्लास में थी तभी ये तमाम चीजें हुआ, और जब मैं चौथी क्लास में थी तब हमारे परिवार, हमारा परिवार सब इधर उधर चला गया, सिर्फ अपना दो बेला का रोटी में जुगाड़ करने के लिए, इस तरह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया, और जब मैं तो चौथा क्लास में थी तभी से मैं किसानों के खेत में एक लेबर का काम करती थी, और ऐसे ऐसे मैंने किसानों के घर में काम करते हुए, खेत में मजदूरी करते हुए, और जो जंगल में फल फूल मिलते हैं, पेड़ में जो फल मिलता है उसको लाह हुआ, करंज हुआ, महुआ हुआ, ये सबको बेच के, चून के बेच के मैं अपना स्कूल की पढ़ाई चौथा से अठवा तक गांव में ही पढ़ाई किया, उसके बाद मैं सर्टिफिकेट निकाल के मैं अपना रांची, मेरी माँ मेड सर्वेंट का काम करती थी तो मैं रांची शहर आई, और फिर मैं यहाँ पर मैं खुद मेड सर्वेंट का काम तीन चार घर में करने लगी, और मैं यहाँ नवीं क्लास से मैट्रिक क्लास तक पास की, जितना भी मैंने लेबर का काम करना था मैंने यहाँ पर किया, इस तरह से मैंने पूरा अपना जो पढ़ाई है वो मैंने पूरा किया। मैं उसके बाद कॉलेज में आई, कॉलेज में मैंने ट्यूशन पढ़ाने के काम, तो कॉलेज में जब पढ़ाई मेरा नामांकन हुआ तब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम किए, और ऐसे ही करते मैंने पार्ट टाइम जॉब करते हुए मैंने अपना एमकॉम तक की पढ़ाई की। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने इतने कम उम्र में इतने इतने काम किया था और पढ़ाई भी किया था,
और कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहे आप, आमी फैमिली वालों कोई भी नहीं थे। आपने पढ़ाने में के लिए कितना इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया आपने? देखिए, परिस्थिति आदमी के सामने आता है, कठिनाई आदमी के सामने आता है, तो वो खुद ब खुद अपना रास्ता तलाशता है और संघर्ष करना वो शुरू करता है, वो जीने के लिए, एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए। तो मैं भी वही किया कि मुझे मुझको पता था कि मुझको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है वो मेरे मन में नहीं था, मुझको नौकरी करना है कि क्या है। लेकिन मुझको पता था कि मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मेरी माँ अनपढ़ थी, तो हमारे माता पिता से लोगों ने चीट करके मैंने गलत तरीके से जमीन छीन लिया, ये मुझको पता था। तो मेरे मन में इतना ही था कि मुझको पढ़ना है, तो मैंने अपना पढ़ाई नहीं छोड़ा। और जितनी भी परिस्थितियां आई, हर परिस्थिति ने मुझको एक नया जीवन जीने का मैंने कला सिखाते गया, और हर परिस्थिति ने संघर्ष करने के लिए एक नया ताकत देते गया। चाहे मैं जिस भी रूप में रही, जिस भी मैंने इतने तरह से अपना पेट भरते रही, लेकिन हर कदम में मुझमें मेरे सामने बड़ा समस्या आया, हर बड़ा समस्या ने मुझको उतना ही मजबूत होकर आगे बढ़ने का और संघर्ष करने का ताकत दिया। बहुत अच्छी बात ने बोला। तो आपने, आपकी शादी हो गई अभी, आपकी आपने बिजनेस भी कर रहे हैं अभी, आपकी फैमिली से कभी मिलना सका, आपकी पिताजी या माता जी? हाँ, माँ जी, माँ पिताजी के साथ मैं जब कॉलेज लाइफ में थी ना, उसी समय फिर माँ हमारे पिता हमारे पिताजी तो बहुत जल्दी उनका निधन हुआ, आशीष वो दूसरों के घर में रहता था तो उनका भी केयर नहीं हुआ, तो वो उनका निधन बहुत जल्दी हुआ। और माँ का भी, माँ से मिले जब मैं कॉलेज में थी, उसी समय माँ को टीबी बीमारी हो गया था। हेलो, माँ को टीबी बीमारी हो गया था, तो उनका इलाज मालिक लोग नहीं कर रहा था, तब हम लोगों ने अपने पास लेके आया और टीबी बीमारी का इलाज हम लोग कराए। और इस बीच में मुझसे जो बड़ा वाला भाई था वो मिलिट्री में चले गए, और मिलिट्री में चले गए तो हमारे परिवार को एक के तरफ से एक ये मिला, सपोर्ट मिला। तो उसके बाद हम लोग, हमारा परिवार फिर से हम लोग एक साथ मिल गए। बहुत अच्छी बात है। और आपने बोल रहे थे कि आदिवासी के राइट्स के बारे में बोल रहे थे, वो कैसे होता है, आप जरा बोल सकते हैं आप हमको? देखिए, ये जो ये जहाँ मैं हूँ और ये हमारा झारखंड स्टेट है, ये आदिवासी मैंने बहुल इलाका है। और ये जो स्टेट बनने के पहले जो यहाँ पर पूरे आदिवासी इतिहास को देखेंगे तो आदिवासी यहाँ के क्या बोलेंगे, अस्थायी निवासी हैं, यहाँ के लैंड ऑफ सोर्स लैंड बोलते हैं आदिवासी सोसाइटी को। असली कि इन्होंने जंगल साफ किया, इन्होंने झाड़ी साफ किया और इन्होंने खेती करने के लायक जमीन बनाया। और जहाँ जहाँ ये लोग आदिवासी समाज जंगल के जिन जिन इलाके में गया, उस इलाके को उन्होंने आबाद करते गया और फिर ये गांव बसाते गए। तो आज ये जो झारखंड स्टेट का यही कहानी है। और ये जो अपने जंगल को आदिवासी समाज ने साफ किया, जंगल को आदिवासी समुदाय ने साफ करके खेत खरियान बनाया, गांव बनाया, तो इसको हम लोगों ने अपना, हमारे पूर्वजों ने इसको अपना ओन लैंड समझा, अपना मैंने क्या बोलेंगे ट्रेडिशनल राइट्स में हम लोगों ने खुदकटी राइट्स के भीतर में समझा कि जंगल को हमने साफ किया है तो जमीन को हमने साफ किया है तो ये हमारा है। और इसी को जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के पहले भी जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, तब भी आदिवासियों ने, जब इनके हाथ में, आदिवासियों के हाथ से जंगल और जमीन छीन रहा था लैंड सेटलमेंट के नाम पर, तब आदिवासियों ने उसका विरोध किया अंग्रेज से गवर्नमेंट का, लैंड सेटल्ड हम नहीं होने देंगे, इसलिए कि ये इसमें हमारा खुदखटी राइट्स है, ये नदी जंगल झाड़ को हम साफ करके
हम गांव बसाए हैं, खेती का जमीन हम बसाए हैं। तो ये इन्होंने विद्रोह किया और आदिवासी आंदोलन में जितना भी देखेंगे उस समय आदिवासियों ने जबरदस्त अंग्रेज गवर्नमेंट का विरोध किया और उसी के बाद आदिवासियों को अंग्रेज जब था उसी समय 1908 में सीएनटी एक्ट बनाया और एसपीटी एक्ट बनाया और इस एक्ट में जो कानून बना उसमें आदिवासियों का जमीन को कोई भी गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता है, लूट नहीं सकता है, ये कानून उसी समय बनाया 1908 में। और उसमें इसलिए ये कहा कि उसमें कानून को बनाया कि अगर आदिवासियों के हाथ से बाहरी लोग जमीन छीनते रहेंगे तो आदिवासी समाज पूरी तरह से नंगा हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। तो ये हमारा पहला राइट था यहाँ का सीएनटी एक्ट। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो जो जो बहुल आदिवासी बहुल स्टेट हैं उस बहुल स्टेट को फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में रखा गया और इस फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में आदिवासियों के जंगल संबंधी कानून, जमीन संबंधित कानून या तो उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, उनके जो हिस्ट्री हैं या तो उनके कल्चर हैं, इसको डेवलप करने के लिए, इनको इनकी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने के लिए फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में एक विशेष कानून, विशेष अधिकार दिया कि यहाँ का जंगल और जमीन को डेवलपमेंट पॉलिसी के आधार पर भी गवर्नमेंट तब तक एक्वायर नहीं कर सकती है जब तक कि हम गांव वाले लोग उनको इजाजत नहीं देंगे। हम गांव वाले लोग तय करेंगे कि हमारा जमीन हम आपको देंगे या नहीं देंगे। तो ये हमारा ट्रेडिशनल राइट्स है और इसी ट्रेडिशनल राइट्स के तहत में फिफ्थ शेड्यूल में हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर हमारे फिफ्थ शेड्यूल में जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार का वायलेशन कर रही है। सीएनटी एक्ट में जो जमीन रक्षा के लिए जो कानून हमें मिला हुआ है इस एक्ट का वायलेशन कर रही है और इसीलिए अभी हम लोग, मैंने पूरी तरह से पूरे झारखंड के आदिवासी और किसान हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, कारपोरेट घराने के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट के मैंने एंटी पीपल्स मैंने जो लो है उसके खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा जो एक्ट के तहत हमको अपना जो अधिकार है उस अधिकार को आप हमें दीजिए और हम जमीन नहीं दे रहे हैं तो आप जबरदस्ती बंदूक के बल पर आप हमसे जमीन नहीं लूट सकते हैं। हमारी लड़ाई यहाँ पर अभी चल रही है। ठीक से कहा आपने। और ये झारखंड स्टेट फॉर्म होने के बाद और इसके पहले बिहार में थे, कुछ कौन सी अच्छी थी आपको ये आदिवासियों को ये स्टेट बनाने, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? देखिए, एक तो मैंने स्टेट बनाने के पहले का जो अपना ये था ड्रीम्स था वो सिर्फ ही मैंने 25 डिस्ट्रिक्ट का या तो 26 डिस्ट्रिक्ट का एक क्या बोलते हैं बाउंड्री केवल स्टेट को बांध के बनाना नहीं था, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर जो लड़ाई लड़े अलग राज के लिए उनका जो अपना सपना था कि यहाँ का जंगल, यहाँ का जमीन, यहाँ का नदी पहाड़ और यहाँ का जो एग्रीकल्चर लैंड के साथ यहाँ का जो समाज है उनकी जो अपनी इतिहास है, अपना भाषा है, संस्कृति है, इसको हम कैसे रक्षा करेंगे और यहाँ का नदी जंगल के साथ, यहाँ का पर्यावरण के साथ हमारा भाषा का, संस्कृति का विकास कैसे होगा, यहाँ के ट्राइबल सोसाइटी के आइडेंटिटी का विकास कैसे होगा, ये हमारे अपने एंसेस्टर सबका सपना था और इसी के लिए उन लोग अलग राज की लड़ाई भी लड़े थे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारे पूर्वज जब लड़ाई लड़ रहे थे तब ये अलग राज बना नहीं, लेकिन जब अलग राज तब बना जब ये तो पॉलिटिशियनों का देन है, ये जो स्टेट है वो पॉलिटिशियनों का देन है और उन्होंने ये जब देखा कि किस तरह से ये झारखंड स्टेट को अपने अंदर में कैप्चर किया जाएगा, अपने अंदर में इसको पूरी तरह से अपना रूल इसमें इस स्टेट में चलाया जा सकता है, यहाँ का जो मिनरल्स है, यहाँ का जंगल है, जमीन है, किस तरह से उसको लूट पाएगा, जब लोगों ने देखा कि अभी ये अच्छा मौका है तो तब उस समय जब झारखंड मूवमेंट पूरी तरह से शांत था तब ऐसे समय में 2000 में अचानक से बीजेपी की गवर्नमेंट के केंद्र में उन्होंने अचानक से झारखंड स्टेट का फॉर्म किया। तो झारखंड स्टेट का जब फॉर्म किया तो ये पॉलिटिकली
इनका जो सोच था वही गड़बड़ था। वो हमारा भाषा संस्कृति को विकसित करने के लिए उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ यहाँ का मिनरल को लूटने के लिए, यहाँ का जंगल और जमीन को लूटने के लिए और हमारे आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए उनका ये था। और आज वही ये है कि लोग बोलते हैं कि हम ट्राइबल स्टेट है, इसीलिए जब हमारे बिरसा मुंडा जो आदिवासी हमारे लीडर थे और यहाँ हमारे पहचान के लिए, हमारा जंगल जमीन का रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़ा, उनका जिस दिन मैंने बर्थ डे था 15 नवंबर को, उस दिन झारखंड स्टेट का फूम हुआ। लोगों ने ये तर्क दिया कि आदिवासियों को अपना हक अधिकार मिल रहा है, इसलिए 15 नवंबर को ही झारखंड स्टेट का ये पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन वो एक सिर्फ साजिश थी। और उसके बाद से ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि झारखंड में एक ट्राइबल स्टेट के नाम पर जितने भी यहाँ पर राज सत्ता संभालने के लिए आए अलग राज बनाने के बाद, लेकिन सारे लोग तो मैंने कहीं ना कहीं ये जो कारपोरेट घराने का जो पूरे जो वर्ल्ड में चल रहा है, पूरे इंडिया में चल रहा है, अभी कारपोरेट घराने ही पूरे राज पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे राजतंत्र को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा प्रशासन को कंट्रोल कर रहे हैं। आप तो आज जितने भी दे सकते हैं, आप कारपोरेट के बारे में बात कर रहे हैं, कारपोरेट हाउ कारपोरेट इज कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, तो आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? जरूर जरूर। देखिए अभी जितने भी पॉलिसियां बन रही हैं, स्टेट बना देश में, भारत में 3 स्टेट बना, एक उत्तरांचल बना, एक छत्तीसगढ़ बना, एक झारखंड बना, एक ए टाइम 2000 में। लेकिन कहीं पर भी मैंने जहाँ जिन लोगों के लिए अलग स्टेट बना, वहाँ के लोगों का कोई, वहाँ के लोगों के ट्रेडिशनल राइट्स हैं या तो जंगल है, जमीन है, इनकी रक्षा के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बना। और तमाम जो पॉलिसियां बनी वो सिर्फ नेशनल पॉलिसियां बनी, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बना, नेशनल आपका फॉरेस्ट पॉलिसी बना, नेशनल वाटर पॉलिसी बन रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन रहा है, तमाम चीजें जो कारपोरेट घराने के हित में जो है, उनके पूंजी के हित में है, वही पॉलिसी यहाँ पर सब नेशनल नेशनल पॉलिसी बना। इवन यहाँ भारत में जो उनका जो अपना संविधान के तहत हमारे लिए जो कानून था, उसका पूरी तरह से, मैंने कहा है पहले ही, वायलेशन हो रहा है, पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया जा रहा है। और यहाँ पर जब हमारे लिए कानून ऑलरेडी है, मैंने सीएनटी एक्ट की बात की, फिफ्थ शेड्यूल की बात की, लेकिन उसको पूरी तरह से वायलेट करके आप यहाँ पर कारपोरेट घराने को आप यहाँ पर बुला रहे हैं, एमओयू कर रहे हैं, और एमओयू करने के बाद एक एक बूंद नदी का पानी, एक एक बूंद जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको तमाम कारपोरेट घराने को आप यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के तहत आप उनके हाथ में बेच रहे हैं। आप यहाँ का भोजन का जो मैंने भोजन में जो भी चीजें हैं उनको कारपोरेट घराने के हाथ में बेच रहे हैं। आप यहाँ की तमाम नदियों को बेच रहे हैं, और जो नदी को जिसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारा प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, उसको आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बना के आप नदियों का पानी को, झरनों का पानी को बोतल में बंद करके आप मिनरल वाटर्स बना के आप बेच रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे दुखद है। तो ये जो तमाम जो राजतंत्र चल रहा है पूरी तरह से कारपोरेट घराने के पॉलिसी के तहत में, पूरे राज की पॉलिसियां पूरी तरह से तोड़ के कारपोरेट घराने के साथ एलायंस कर दी जा रही हैं। और यही कारण है कि आज की तारीख में पूरी तरह से यहाँ पर कारपोरेट घराना आज यहाँ जंगल पर राज कर रहा है, जमीन पर राज कर रहा है, पानी पर राज कर रहा है, हमारे भोजन पर राज कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर राज कर रहा है, और साथ में जो जितने भी हमारे जो संविधान है उस संविधान को भी वही कंट्रोल कर रहा है, यहाँ का राजनीति को भी वही कंट्रोल कर रहा है। आज पूरे देश में इलेक्शन इतना खर्चीला हो गया है, क्यों खर्चीला होने का कारण यही रहा कि आप जितना गुंडा पाल सकते हैं, जितना मसल पावर आपके पास है और जितना खरीदने का पावर आपके पास है, मनी पावर आपके पास है, तो आपके पास है, मैंने असेंबली में आप लीडर चुन के ला रहे हैं, लोकसभा में आप लीडर चुन के ला रहे हैं, ताकि आप कारपोरेट घरानों के लिए आसानी से उनके बिजनेस को आप फूलने फलने देंगे। ठीक से बोला आपने।
और आपको इतना मालूम है, मैं बहुत सरप्राइज हो गया, क्योंकि आपने झारखंड में अभी आदिवासियों के विलेज में रहते हैं, लेकिन आप बहुत सही कह रहे हैं। आप कैसे इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, और ये पार्टीज कैसे हो रहे हैं, और स्टेट्स कैसे फॉर्म हुआ, और कॉरपोरेशन बिहेवियर कैसे है। आप बहुत अच्छे बात की आपने, लेकिन ये बोलिए, मित्तल अच्छा की स्टील प्लांट ने करीब 40 विलेजेस को छीनने के लिए ट्राई किया, लेकिन आपने प्रोटेस्ट किया। अभी उसके बारे में क्या हुआ था बाद में? देखिए, जब मुझको पता चला कि नहीं यहाँ पर मैं तो गांव गांव घूमते रहते हैं, तो मैंने ब्लॉक में देखा उसका नक्शा, और मैंने वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर से पूछा कि ये नक्शा किसका है। ब्लॉक का नक्शा तो अलग है, लेकिन ये नक्शा तो अलग दिख रहा है। तब उन्होंने बताया कि ये आर्सेल मित्तल ने इन गांवों को आइडेंटिफाई किया है, और ये जो मैप है वो आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने मैप बनाया है, इन गांवों को हटाएगा और फिर यहाँ पर स्टील प्लांट बनाएगा। मैं बहुत शॉकिंग रही कि ये मैंने मैप बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन गांव वालों को पता ही नहीं। तब मैंने गांव वालों में जो उस मैप को लेके गांव गांव घूमने लगी, और गांव वालों से को पूछी कि आप लोगों को पता है कि आपका गांव को आर्सेलर मित्तल लेने वाला है और यहाँ पर स्टील फैक्ट्री बनेगा। लोग बोले कि नहीं। मैं एक गांव गई, दो गांव गई, ऐसा करके बारी बारी से सब गांव गई। मैंने एक दिन में कई गांव, मैंने बताया कि कई गांव घूम जाती हूँ मैंने, कई जितना गांव गई, कई कुछ गांव वाले लोग बोले कि हम लोग को पता है लेकिन कैसे किया जाए। तब मैंने बोला कि पूछा कि अगर आप क्या चाहते हैं, जमीन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। गांव वाले बोले कि ये तो हमारे एंसेस्टर का दिया हुआ हेरिटेज है, और इस हेरिटेज को हम कैसे देंगे। इस हेरिटेज को तो हमारे अगले वाले जो ये वारिस आएंगे, उस वारिस को हमको देना है। यही हमारा सारा चीज है, हमारा इतिहास है, हमारा भाषा है, हमारा संस्कृति है, हमारा जिंदगी यही चीज है, हम कैसे देने देंगे। तब मैंने पूछा कि आप नहीं देने दोगे तो फिर क्या करना है। तब बोला कि आप हमको बताओ कैसे करेंगे। तब मैं बोली कि नहीं तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो बोले बताओ कैसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तब उसके बाद मैंने मैंने यहाँ से इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से मैंने एमओयू का जो कॉपी है आरटीआई के तहत में मैंने आवेदन डाला, और आरटीआई के तहत मैंने एमओयू का कॉपी निकाला, और कॉपी मैंने गांव गांव में जरूर करके बांटा, और उसको लोगों के बीच में लेके मैंने पढ़ा, और उन लोगों को बताया कि ये ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, ये बोल रहा है। सब गाँव वालों ने बोला कि नहीं, हम लोग जमीन नहीं देंगे। उसके बाद मैंने गाँव गाँव घूम के लोगों को मोबिलाइज किया, अगर जमीन नहीं देंगे तो लड़ाई करना पड़ेगा, और लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को घूमना पड़ेगा, जन आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, और इस बीच में जब कंपनी के दलालों को पता चला कि ये गांव गांव मीटिंग कर रही है, तब गांव वालों ने तब दलालों ने मुझको कई बार डेथ थ्रेट दिया, और उन्होंने डेथ थ्रेट मुझको दिया कि गांव वालों के बीच में आप जाना बंद कर दो, मीटिंग करना छोड़ दो, नहीं तो इतनी गोलियां मारेंगे कि तुम्हारा सौ का शिनाख्त नहीं होगा, मैंने पहचान नहीं होगा। मैं उन लोगों को बोली कि आपको जो करना है कर लो, लेकिन मैं गांव नहीं छोड़ सकती हूँ। दोबारा उन्होंने मुझको फोन किया और बोला कि आपको आपको दूसरी बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि आप गांव छोड़ दो, इस बार आप गांव नहीं छोड़ोगे तो हम लोग गांव लोगों के बीच से ही आपको उठा के ले जाएंगे, आपको किडनैप करेंगे। लेकिन मैं उन लोगों को बोली कि आपको जो करना है आप करो, लेकिन अगर आप मुझे गांव छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो मैं गांव नहीं छोड़ सकती हूँ। और मैंने गांव नहीं छोड़ा, और गांव नहीं छोड़ा, तमाम माफिया हैं, दलाल हैं, सबके खिलाफ में लड़ते रहे। मैं 2006 से मैं लगातार गांव गांव में रही, बहुत मेहनत की, और जब लोग नहीं समझ रहे थे तब मुझको हमारे साथियों ने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पर और पीपल्स मूवमेंट पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए हैं। मैंने गांव गांव उसको ले जाके मैंने धूप में, पानी में, बरसात में, मैं 365 दिन में साल में जो होता है उसमें मैं 320 दिन 30 दिन मैं गांव में ही रहती थी, 2006 से लेके लेकिन 2010 तक, आपने जो और लोगों को बोल रहे मोबिलाइज की, और उसके बाद बहुत जबरदस्त हमारा मूवमेंट खड़ा हुआ, और पूरा सरकार को भी मैंने घेरने का कोशिश की, बोला कि गांव हमारा है, आप कैसे एमओयू कर सकते हैं किसी कंपनी के साथ हमारा जमीन को देने के लिए, जमीन हमारा है, जमीन के मालिक हम हैं, एमओयू हमसे तुम करो,
कि हम जमीन देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं तुम हमसे पूछो, लेकिन आप हमारा जमीन मैंने दूसरे कंपनियों को देने के लिए हमसे पूछे बिना क्यों तुमने एमओयू किया? हम एक इंच अपने पूर्वजों का जमीन नहीं देंगे और इसी में हम लोग रहे। हम लोग सर बहुत बड़ा बड़ा रैली किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए और सरकार को मैंने लगातार घेरने का काम किया और लास्ट में आर्सला मित्तल के जो हेड हैं लक्ष्मी निवास मित्तल वो 2010 फरवरी महीना में लग्जमबर्ग से अपना स्टेटमेंट दिया कि खोटी और गुमला जिला में पीपल्स मूवमेंट इतना स्ट्रोंग है कि वहां पर लैंड एक्वायर करना मुश्किल है, तब बोला कि हम दूसरा साइट देखेंगे। वाह बहुत अच्छी बात हुई थी, लेकिन ये लोग आपने बोल रहे थे कि वो धमकी दिया कि वो गोली मार देंगे या किडनैप करेंगे, वो बिल्कुल कर सकते हैं, आपको ये मालूम है ना? वो इतना जो जिनको जिनको आर्सला मित्तल जो वर्ल्ड में स्टील जॉइंट माना जाता है औद्योगिक घराने मानते हैं या तो जितने भी मेनस्ट्रीम के लोग उनको जॉइंट मानते हैं, लेकिन हमको हमेशा अखबार वाले लोग पूछते थे कि आप स्टील जॉइंट से कैसे लड़ोगे, तो मैं मेरा एक ही जवाब था उस समय भी अभी भी, वो स्टील जॉइंट दुनिया वालों के लिए हो सकता है लेकिन हम आदिवासियों के लिए किसानों के लिए नहीं। असले कि हम लोग वी आर द सन ऑफ सोयल, We are the owner of our land. उसे हम क्यों डरेंगे? और जहाँ तक जान से मारने की धमकी, जहाँ से जान से मारने की धमकी है, मैंने एक ही सोचा, हमारे हस्बैंड ने भी, मैं हम लोगों ने इस पर बात किया कि वहाँ तो मेरी एक लाश भी गिर सकती है, ठीक है, अगर वो मुझे गोली मारेंगे तो मेरी एक लाश गिर सकती है और मुझको पता है कि जिस दिन कंपनी वाले या तो लैंड ग्रैबर मेरे मुझको मेरा लाश गिराएंगे उस दिन एक नहीं हजार दयामनी वहां पर खड़े होंगे और मेरा एक एक बूंद खून है ना वो वहां पर मेरे आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। और जो हमने वहां पर नारा दिया कि हम अपने पूर्वजों का एक इंच जमीन नहीं देंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये धरती हमारी है, उस आंदोलन को वो आगे बढ़ाएगा, ये मैं पूरी तरह से अपने धरती पर, अपने जमीन पर, अपने लोगों पर हमारा पूरा विश्वास है और इसीलिए मैंने सोचा कि दयामनी का लाश गिर सकता है लेकिन मैं यहाँ के लोगों को बेघर बार लैंडलेस होमलेस और यहाँ के लोगों को डिस्प्लेस मैं नहीं होने दूंगी। इसलिए कि पहले ही दयामनी को एक दर्द है कि वो लैंडलेस होना, होमलेस होना वो किस तरह से पेनफुल है। और गवर्नमेंट भी तरफ से कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा हुआ कि जो भी लैंड के लिए लड़ रहे उसको नक्सल नाम को टैग दिया गया था और उसको अरेस्ट भी कराया या एनकाउंटर ऐसा भी होगा हुआ था, तो आपको किसी ने नक्सल नहीं बोला? नहीं, ये जो मैं लंबा बात आपके साथ लंबी बात हो रही है तो उसके बाद आर्सला मित्तल के साथ लड़ाई लड़ने के बाद फिर मैंने डेम का भी लड़ाई लड़ा और वो भी गलत तरीके से वहाँ पर जमीन दिया जा रहा था, तब भी मैंने लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ने के बाद वहाँ भी मैंने लड़ाई जीता। इसलिए कि हमेशा मैं गवर्नमेंट पर अंगुली उठाता रहा कि मैं आप गलत हैं, आप गलत हैं, हम लोग हम ग्रामीण सही हैं और तमाम जो दस्तावेज है मैंने आरटीआई का बहुत इस्तेमाल किया और मैंने एक एक कागजात निकाल के गवर्नमेंट को घेरने का काम किया और उसके बाद लड़ाई वहाँ डैम के खिलाफ भी मैंने दूसरा लड़ाई जीता खूंटी जिला में 2010-11 में, वहाँ भी मैंने जीता। उसके बाद अभी 2012 में जब मैं नगरी में गलत तरीके से गांव वालों का जो जमीन है उसको सरकार कब्जा करके वहाँ पर IIM को, लो यूनिवर्सिटी को, IIIT को देने की कोशिश कर रही थी, तब मैंने वहाँ भी RTI के तहत में कई कागजात निकाले और जब मुझको एविडेंस मिला, सच मिला कि जमीन का एक्वायर नहीं हुआ है और जो गांव वाले जमीन नहीं देना चाह रहे हैं, वास्तव में जमीन का जो राइट्स है अभी भी गांव वालों के पास है, तब मैंने फिर से वहां पर गांव वालों के साथ संघर्ष में खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद मैंने संघर्ष को आगे
बढ़ाने का कोशिश किया। तो जो आप मुझको सवाल कर रहे हैं कि आपको लोगों ने सरकार ने ये कोशिश नहीं किया कि आप नक्सलाइट हो, जब मैं 2012 में नगड़ी मूवमेंट में मैंने अपना शिरकत की और लोगों के बीच में अपना लोगों का आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब उसी समय मेरे पास सरकार की तरफ से मैंने मुझको पुलिस प्रशासन मेरे ऊपर वो दबाव डालना शुरू कर दिए, मुझको हरासमेंट करना शुरू कर दिए और पुलिस हमारे चाय की दुकान में आके मुझको हरास करने की कोशिश की और वो मेरे पास आए और बोलने लगे कि आप कितने लोगों के साथ बैठक करते हैं, कहाँ कहाँ बैठक करते हैं, कौन कौन आपके बैठक में आते हैं, आपके घर में असामाजिक तत्व उठते बैठते हैं, आपके चाय के दुकान में असामाजिक तत्व उठते बैठते हैं। तब मुझको बहुत तकलीफ लगा, तब मैंने एसएसपी के पास गया, एसएसपी के पास मैंने लिखित लेके गया कि आप हमको बताओ कि कौन सा असामाजिक तत्व मेरे यहाँ उठते बैठते हैं, कौन असामाजिक तत्व मेरे चाय के दुकान में बैठते हैं, आप हमको बताओ कि कौन सा असामाजिक तत्व है जिनके साथ मैं उठते बैठती हूँ। मैंने नीचे से ऊपर पूरा जिला प्रशासन पुलिस एसएसपी से लेके मैंने पूरा आपका थाना लेवल तक सब जगह मैंने छान मारा और सबसे मैंने जवाब मांगा। उसके बाद वो पहला मेरा मेरे ऊपर जो प्रशासन की तरफ से जो सवाल उठाना या तो मुझको प्रताड़ित करने का कोशिश किया। उसके बाद पूरा दुनिया जानता है कि जब नगरी मूवमेंट में पूरा मूवमेंट को एक लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसात्मक तरीके से मैं आगे लेके जा रही थी, तब सरकार को लगा कि दयामणि को अब बहुत ज्यादा हो गया, सरकार को लगा कि दयामणि के रहते बाहर रहते जमीन हम एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने 6 साल पुराना केस 2006 में जो नरेगा में जॉब कार्ड दिलाने के लिए गांव के लोगों ने रैली निकाला था, उस रैली में मैं शिरकत की थी और वहां पर एक केस लोगों ने किया था और उसमें सरकारी काम में बाधा डालने के नाम पर मुझे भी एक वोज बनाया गया और मुझको इसका पता भी नहीं था और अचानक 2006 का केस को अभी सरकार ने खोज के निकाला और मुझको उसी केस में मेरा वारंट किया, कुर्की जब्ती का वारंट कर दिया और उसके बाद मुझको जेल में भेज दिया। और ये जब मुझको एक केस में बेल मिलता था तब मेरे ऊपर फिर दूसरा केस डाल देता था, फिर दूसरा में मुझको बेल मिलता था तीसरा केस डाल देता था, चौथा केस डाल दिया, पांचवा केस डाल दिया, छठा केस डाल दिया, सातवां केस डाल दिया। तो ये जो आप पूछ रहे हैं ये तमाम चीजें, ये जो दयामणि आज तक निस्वार्थ भाव से समाज के लिए बिना समझौता किए मैंने लड़ाई लड़ते रहा और गवर्नमेंट को भी मैंने अंगुली दिखाते रहा, हर किसी को मैंने उनका औकात मैंने दिखाते रहा, इसी का कारण है कि मुझको लंबा ये तक जेल में बंद रखा। गवर्नमेंट अभी लैंड छीनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी पुलिस भी पुलिस केसेस डाल रहे, तो गवर्नमेंट ये आदिवासियों को कैसे हेल्प कर रहे, कुछ हेल्प कर रहे या सिर्फ लैंड छीनने के लिए कोशिश कर रहे? देखिए मैंने पहले ही कहा आपको कि अभी तो गवर्नमेंट चल रही है कारपोरेट घराने की सारे पर, तो हेल्प कैसे करेगी यहाँ पर आप लोगों को? देखिए यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंटल स्कीम है, ठीक है, तो वो तो तमाम भ्रष्ट मैंने लोगों के हाथ में है, तो आप यहाँ पर एक चॉकलेट पकड़ा दे रहे हैं, ठीक है, हेल्प करने के नाम से और पूरा उनका जिंदगी छीन ले रहे हैं, तो उसको मैं कैसे हेल्प मानूंगी? आप उनको एक चॉकलेट धरा दिए, लॉलीपॉप धरा दिए और पूरा उनका जिंदगी आप नष्ट कर दे रहे हैं, उनका पूरा जंगल जमीन छीन ले रहे हैं, तो ये कैसे मैंने ये हेल्प हुआ? ठीक ठीक सर से बोला। और एक क्वेश्चन है, अभी ये लैंड छीनने के लिए कुछ ना कुछ तो देने के लिए पैकेज, कुछ रिलोकेशन पैकेज और इसी तरह तो कुछ तो होगा, वो क्या बोल रहे हैं, क्या देने के लिए तैयार है, वो आपको सही है या नहीं? या नहीं देखिए, एक तो रिहेबिलिटेशन आप किसका करेंगे? आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा कि आप, हम तो इसको हेरिटेज मानते हैं, जमीन को, जंगल को, ठीक है, तो इस हेरिटेज का जहाँ हमारा भाषा है, संस्कृति है, आइडेंटिटी है और हमारा एक पुश दर पुश इससे हम जी रहे हैं, ठीक है,
और इसी से हमारा अगला पीढ़ी भी रहेगा। हमारा शुद्ध हवा पानी है, ठीक है, शुद्ध भोजन है। अब शुद्ध हवा पानी का आप रिहेबिलिटेशन कैसे करोगे? शुद्ध हवा का आप रिहेबिलिटेशन क्या करोगे? यहाँ का एनवायरनमेंट का आप रिहेबिलिटेशन कैसे करोगे? है क्या कोई रिहेबिलिटेशन पैकेज? नहीं है। तो हम ये जमीन जमीन केवल नहीं है, ये तो मैंने पहले ही कहा कि यही हमारा एनवायरनमेंट है, यही हमारा शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, शुद्ध भोजन है, और यही हमारा भाषा और संस्कृति है। तो इसका कोई रिहेबिलिटेशन पैकेज ही नहीं हो सकता है। तो प्रॉपर्टी का आप रिहेबिलिटेशन पैकेज दे सकते हैं ना, तो ये हमारा प्रॉपर्टी तो है नहीं। या ठीक तरह से बोला, और आपने बहुत अच्छी बात बोला था हमको, क्योंकि हम जो अमेरिका में हैं, हम इंडियंस हैं, लेकिन अभी अमेरिका में काम कर रहे हैं। ऐसा बहुत लोग हैं, बहुत पूरे दुनिया के लिजनर्स हैं हमको, सो सब लोग सुन रहे हैं। आप ये लिजनर्स को, ये इंडियंस इंडिया में है और वर्ल्ड के चार कॉर्नर्स में, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपने? देखिए, अगर इस हम लोग एक, मुझको याद है एक बार यहाँ पर एक वर्ल्ड सोशल फोरम हुआ था, उस समय लोग एक नारा दिए थे, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। तो अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल लोग बोलते थे। तो आज की तारीख में मैं अपने तमाम जो श्रोताओं को ये कहना चाहती हूँ कि कौन सा वर्ल्ड है? क्या पूरा प्रदूषित वर्ल्ड है जहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े कारपोरेट घराने रहेंगे, मॉल रहेंगे, या तो जहाँ पर शुद्ध हवा पानी और ये जो समाज संस्कृति की बात करते हैं, जहाँ आदिवासी समाज भी रहेगा, जहाँ किसान भी रहेंगे, जहाँ पर जो आपका के साथ आपके इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं वो रहेंगे, जहाँ पर आपका जंगल अभी रहेगा, जमीन भी रहेगा, नदी और झरना भी रहेंगे, तभी हम एक एक नए समाज की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ पर हम आज ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ पर पर्यावरण रक्षा की बात कर रहे हैं, शुद्ध हवा पानी का हम तलाश रहे हैं, आज हम बड़े बड़े कारपोरेट घराने के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ भी मार्जिनल की बात कर रहे हैं, उत्पीड़ित समाज की बात कर रहे हैं, उनके उत्थान की बात कर रहे हैं। तो हम तमाम लोग एक साथ, जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम एक अनदर वर्ल्ड नहीं बना सकते हैं। और मुझको कहना है कि हमको एक ऐसा दुनिया बनाना है जहाँ किसान भी रहेंगे, जंगल भी रहेगा, जमीन भी रहेगा, आदिवासी समाज भी रहेगा, और दलित भी रहेंगे, और वहाँ पर मार्जिनल सोसाइटी भी रहेगा, जहाँ पर न्याय से बचे जो लोग हैं, वंचित लोग हैं, वो तमाम रहेगा, तभी ये धरती बच पाएगी। नहीं तो ना तो धरती बचेगी, अगर आदिवासी नहीं बचेंगे, किसान नहीं बचेंगे, तो जंगल जमीन भी नहीं बचेगा, यहाँ का पर्यावरण भी नहीं बचेगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तब हम अंतिम में हम रोना केवल रोते रहेंगे। इसलिए अभी समय है, अपने को बचाना है और इस वर्ल्ड को भी बचाना है, इस हेरिटेज को बचाना है, जिस जंगल जमीन को बोल रहे हैं उसको भी हमको बचाना है, तब हम एक नया दुनिया की कल्पना कर सकते हैं और सही मायने में हम जिंदा भी रहेंगे। बहुत अच्छी बात बोला आपने, और हम एनआरआई समय से आपको धन्यवाद देते हैं और आपको सपोर्ट भी देते हैं। हम वी विश वी कैन सपोर्ट यू फ्रॉम द ग्राउंड, बट हम उधर नहीं है, लेकिन इधर से जो भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। आपके पास हमारी टेलीफोन नंबर भी है, तो आप फोन कर सकते हैं हमको। जरूर जरूर जरूर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक ठीक, थैंक यू। ओके, जोहार जोहार।